जैसे लेके जाना ऐसे, आपका सीना गा रहा होगा और अच्छा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम फिर आ गए नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो भी हम वीडियो अपना नया डालेंगे वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके और अच्छी आसानी से पहुँच सके और आप लोग आई होप कोई मदद मिल सके हमारे वीडियो से। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चेस्ट का एक्सरसाइज, चेस्ट का एक्सरसाइज करेंगे और आप सीना का। तो कैसे बनाना है सीना आपको हम बताते हैं। घर पे आराम से बना सकते हैं, कोई भी आप जो वहाँ पे कुर्सी हो या मेज हो या तख्ता हो या कुछ भी हो, तो आप ईटा को ईटा से भी कर सकते हैं। हमारे इधर तो हम सीढ़ी पे कर रहे हैं, तो ऐसे करना है आपको, ऐसे करके आराम से ऐसे लेके जाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे आराम से लेके जाना है, तेजी से लगाना है। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज, आपको हम दूसरा बताते हैं। दूसरा कोई दीवार हो या कुछ भी हो तो आप दीवार पे कर सकते हैं। ऐसे करना है, आराम से ऐसे खड़ा होना है और ऐसे टाइट ये हैंड को रखना है आपको, फिर ऐसे ले जाना है, आराम से ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, तो सबसे सुगम बाहर आएगा और नीचे पे आएगा 28 डिग्री के अंदर। तो तीसरा हम बताते हैं आपको, हर एक सेट का 15 से 20 बार करना है और 3 सेट करना है। 15 से 20 बार करेंगे 3 सेट, 28 डिग्री के अंदर आपके पास रिजल्ट आएगा कैसे आप कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करना है। तीसरा हम बताते हैं उस सबके माध्यम से, तो सब करना ऐसे एकदम सीधे टाइट कर लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, सीधे टाइट कर लेना और ऐसे जाना है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे। हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो और आप घर पे ट्राई कीजिएगा। आप ऐसे कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, अच्छे से कर सकते हैं, घर पे आराम फाड़ सकते हैं बॉडी को, देख सकते हैं ये बॉडी को अच्छे से बना सकते हैं और टी शर्ट या कुछ भी पहनेंगे तो दिखेगा, बाइसेप दिखेगा, सीना दिखेगा आपका और अच्छा दिखेंगे आप। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में,